तो जो बच्चे इस बार रिपीट कर रहे हैं या फिर जो बच्चे ट्वेल्थ में, उनके लिए एक लेटेस्ट न्यूज है। जो बच्चे भी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक CBSE अनाउंसमेंट आई है। ठीक है, कैबिनेट में जिस बात का हम लोग प्रस्ताव रखे थे कि NTA इस बार कंडक्ट कराएगा नहीं एग्जामिनेशन, उसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मतलब इस बार जितने भी CBSE के एग्जामिनेशंस होते थे, चाहे वो आपके नीट हो, JEE हो, UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, ये सब 2 साल होंगे, 1 साल में 2 बार होंगे। मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल के तहत में आप ले सकते हैं कि जो भी चार्टेड अकाउंट्स के एग्जाम होते हैं, चाहे IPCC हो चाहे CPT हो, 1 साल में 2 बार होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात की दिक्कत पड़ जाएगी कि जो IPCC एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और दोनों बार अलग अलग रैंक लिस्ट निकालते हैं, दोनों बार बच्चों को अलग अलग क्वालिफाई कराते हैं। लेकिन आप सभी को बताया कि नीट और JEE में एक काउंसलिंग के तहत आपको सीट्स मिलती है, काउंसलिंग के तहत कॉलेज मिलती है। तो क्या इस बार अगर दिसंबर और अप्रैल में 2 बार परीक्षाएं अगर हो रही हैं CBSE JEE मेन की, जो कि NTA कंडक्ट कराएगा, क्या इन दोनों के रैंक लिस्ट अलग अलग बनेंगे या फिर जो बच्चे दिसंबर में दे चुके होंगे उनकी अलग रैंकिंग बन जाए और अप्रैल में जो बच्चे देंगे उनकी अलग रैंकिंग बन जाए? अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दिसंबर में भी कॉलेज अलाट करेंगे, फिर अप्रैल में भी कॉलेज अलाट करेंगे, ये थोड़ा सा अनबैलेंसिंग लग रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि अपना एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराएंगे। और दूसरी बात, एग्जामिनेशन NTA कंडक्ट कराने से 2-3 चीज़ें में चेंजेस आएंगी। पहला, जो JEE मेन का मोड था वो ऑफलाइन था, इस बार शायद जो मोड होगा वह टोटली आपका ऑनलाइन में बदल जाएगा। जितने भी वेरियस एग्जामिनेशंस आपकी कंडक्ट हो रहे थे CBSE से, वो अब NTA कराएगा एक AICTE के माध्यम से। तो CBSE इस बात पे कंसंट्रेट कर रहा है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ CBSE को दे दिया जाए। बाकी जितने भी कम्पिटेटिव के एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वह नीट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर JEE है, वो सारे जो एग्जामिनेशंस हैं आप NTA द्वारा कंडक्ट कराइए। यहाँ पे एक बात और है कि जो JEE एडवांस की, जिससे आपको IIT से कॉलेज मिलती हैं, वो यहाँ पे NTA कंडक्ट नहीं कराएगा। ये सिर्फ JEE एडवांस की अथॉरिटी है, क्योंकि ये CBSE आज तक कभी कंडक्ट नहीं कराई है। तो जो भी CBSE कंडक्ट करा रही थी एग्जाम्स, वही कराएगा अब NTA। ठीक है, NTA का प्रपोजल पिछले साल भी आया था, JEE मेन जब 2018 होने वाला था, लेकिन उस समय कैबिनेट इसको पास नहीं किया था। तो 12 तारीख को कैबिनेट ने इसको पास कर दिया, अब ये लागू हो जाएगा। और अब इसका जो सेटअप है वह सारे रजिस्टर्ड इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के आने वाले जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं जो आपकी CBSE कराती थी, अब वह कराएगी NTA। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे कि क्या इसमें डीमेरिट्स हैं और मेरिट्स हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि NTA द्वारा अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है तो क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, क्या कुछ गलतियां हो सकती हैं और क्या कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है बच्चों को जो रिपीट कर रहे हैं या फिर जो JEE नीट के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। गाइस, हम लोग देखने जा रहे हैं कि NTA जो एग्जाम कराएगा उसमें क्या हमारा बेनिफिट है और क्या कुछ ऐसा है जो हमें थोड़ा सा घाटा पड़ सकता है, थोड़ा सा हमारे लिए खराब हो सकता है। जो बच्चे परीक्षाएं देने जा रहे हैं उनके लिए क्या थोड़ा सा हर्डल क्रिएट कर सकता है। तो कुछ बातें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो बच्चों की शिकायत रहती थी कि उनका जो एग्जामिनेशन है थोड़ा अनमैनेज रहता था, बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता था, सेंटर अच्छे से नहीं अलॉट हो पाता था, कई कई सेंटर्स में गर्मी होती थी, कहीं में फैन नहीं चलता था, उन चीजों को अब दूर करेगा NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी कंडीशन के अंदर आपका टेस्ट पैटर्न कराएगा, टेस्ट लेगा। इसकी जिम्मेदारी रहेगी कि आपकी जो टेस्ट है वह वर्ल्ड मेडल और ग्रैंड मेडल में हो, ताकि आपका जो टेस्ट है वह समुचित ढंग से परफॉर्म हो सके। दूसरा, इसकी जो सर्विस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, मतलब ये सेवरल ईयर में 2 से 3 बार एग्जामिनेशन कराने में सक्षम है। साथ में इसकी जो अथॉरिटीज हैं इनको सुपर पावर्स भी दिए रहते हैं। आपके पास CBSE जितनी भी कंडक्ट एग्जामिनेशन कराती थी उससे बढ़ के और उससे रिलायबल आपकी जो सोर्सेज हैं वो NTA के पास है। अब हम लोग कुछ डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। पहला, ये अनसस्टेबल बैलेंस को भी क्रिएट करता है, मतलब कि आपका जो NTA है, ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, तो सबसे पहले जो बच्चे घबरा रहे हैं कि उनको कैसे इस एग्जामिनेशन सिलेबस चेंज होगा, क्या पैटर्न, तो आपको बता दे रहा हूँ सिर्फ NTA का काम है टेस्ट कंडक्ट करवाना, ना कि पैटर्न को डिसाइड करना कि पैटर्न क्या होगा, किस तरह से पैटर्न होगा। इसका काम है टेस्ट रूटीन वाइज अच्छे से हो पाए, सिक्योरिटी लेवल मैनेज रहे,
ठीक है, आपकी कॉपी चेकिंग अच्छे से, इन सब चीजों को ध्यान दे सकते हैं। एनटीए एनटीए सिलेबस चेंज नहीं करेगा। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस, इसमें साफ से बताया गया है कि एनटीए आने पे सिलेबस चेंज होगा। लेकिन भाई एनटीए आने पे सिलेबस नहीं चेंज होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कराना है। दूसरा, अनसस्टेनेबल बैलेंस क्रिएट करने का मतलब है कि अगर आपका दो बार एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, इससे बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी, साथ में अपॉर्चुनिटीज की भी दिक्कत आएगी। जो बच्चे को लगता है कि मेरा तैयारी हो गया उनके लिए तो बहुत सही रहेगा, लेकिन जिन बच्चों का तैयारी नहीं हुआ सकता उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज ना मिले। दूसरा, कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन इंटरप्ट हो सकता है, मतलब अगर आपके पास कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा रुकावट आएगी कि एक साल में दो बार एग्जामिनेशन जेई और नीट की पॉसिबल अगर ये करवा दिया तो फिर इसको कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो ये थी टोटल एनटीए की सारी जानकारी जो कि आपको साथ अभी मैं शेयर कर दिया। जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी मैं अडप्ट करते रहूंगा। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन भी दबा देना, उससे आपको पता चलेगा मैं कौन सी वीडियोस कब अपलोड करने जा रहा हूँ। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ लेना, उसमें कुछ काम लायक चीजें आप लोग की दी है। और जल्दी मैं फिजिक्स की टोटल 11th 12th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, जो होगा ऑनलाइन क्लास पूरा। कुछ लाइव क्लासेस होंगी, कुछ अपलोडेड क्लासेस होंगी, जिनका फायदा आप उठाइए। टोटल फ्री रहेगा और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग।